झांसी के बिजौली स्थित एमएस फार्म्स पर ट्राई स्टार रन का आयोजन हुआ, जिसमें झांसी के साथ कई अन्य शहरों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौड़ में दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, चंडीगढ़, पटियाला, ग्वालियर, कानपुर सहित कई शहरों से आए 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। रन विभिन्न श्रेणियों में आयोजित हुई। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। इसके अलावा ट्राई स्टार ट्रायथलॉन प्रतिस्पर्धा का भी आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर में महिला वर्ग में झांसी की भारती और पुरुष वर्ग में मेहराज विजेता रहे। 10 किलोमीटर में बिट्टू कुमार विजेता रहे। 20 किलोमीटर में महिला वर्ग में कनु सिंह और पुरुष में डीपी मील विजेता रहे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित 5 किलोमीटर की दौड़ की श्रेणी में महिला वर्ग में चंद्रा और पुरुष वर्ग में हाजी अनीस अहमद विजेता रहे। ट्रायथलॉन प्रतियोगिता में 40 मीट ट्राई स्टार चैलेंज के विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप सिंह कुंतल रहे। ट्रायथलॉन की ट्राई स्टार ओलंपिक चैलेंज में दिल्ली के मेजर सुरेंद्र मलिक विजेता रहे। ट्रायथलॉन की ट्राई स्टार स्प्रिंट चैलेंज के विजेता कनिष्का सिंह रहे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त सैन्य अफसर कर्नल एसएस सुजलाना मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल एसएस चौहान और मेजर केएल शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजन में अभिनीत सिंह, ओपी गुप्ता, अर्जुन सिंह, डॉक्टर प्रसाद दुबे आदि ने अपनी भूमिका निभाई। कार्यक्रम में मौजूद लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप सिंह क्विंटल ने बताया कि झांसी में पहली बार ट्रायथलॉन इवेंट आयोजित हुआ है। ट्राई स्टार रन और ट्रायथलॉन प्रतियोगिता जैसे इवेंट आगे भी होने चाहिए। मौसम खराब होने के बाद भी व्यवस्थाएं काफी बेहतर रही। सर, आज इवेंट में आके कैसा लगा आपको? झांसी शहर में ये पहला ट्रायथलॉन इवेंट था, ट्राई स्टार ट्रायथलॉन एंड रन। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के इवेंट आगे भी होते रहें, और मिस्टर अवनीत और एसएस फार्म्स वालों ने ये इवेंट फर्स्ट एडिशन यहां कराया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इवेंट में पहले की जो तैयारियां थी वहां से लेके फाइनल फिनिश होने तक सारे अच्छे इंतजाम किए गए, जो कि फर्स्ट एडिशन में कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। बाकी मैं कहूँगा स्विमिंग था, मौसम काफ़ी ख़राब होने के बावजूद भी अच्छा रहा लेक में, और उसके बाद जो साइकिलिंग का कोर्स था यहाँ से ललितपुर हाईवे में बहुत अच्छा था, और फाइनली रनिंग का जो 5 किलोमीटर का लूप में था, आधा कच्चा ट्रैक और आधा रोड था, तो बिना पोल्यूशन के, बिना ट्रैफिक के काफ़ी अच्छा रहा।